हाय नमस्ते, मैं तुलिका आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ द लीगल एंगल शो में, जहाँ पे आपको मिलते हैं आपके प्रॉब्लम के लीगल सॉल्यूशंस। हमारे साथ है हमारे लीगल एक्सपर्ट इंद्रपाल सिंह जी, एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। देखते हैं आज हमारे कॉलर्स के क्या क्वेश्चन है और उनपे आपके क्या सॉल्यूशंस है। तो हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़े हैं, देखते हैं उनका क्या क्वेश्चन है। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा दास है। हाँ दुर्गा, बोलिए आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। अच्छा, और आपका क्या क्वेश्चन है? मैं नेक्स्ट मंथ अब्रॉड शिफ्ट हो रहा हूँ और मैं मेरा मकान बेचना नहीं चाहता। अच्छा, क्या लीव एंड लाइसेंस पे मकान किराए पे देना सेफ रहेगा या फिर मैं खाली रखूँ? दुर्गा जी, अगर आपको मकान लीव एंड लाइसेंस पे देना है तो 5 साल के लिए आप लीव एंड लाइसेंस पे दे सकती हैं। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बाकायदा पुलिस में वेरीफाई होता है, जिसको आप अपने यहाँ रेंटल पे रख रहे हैं, भाड़ूत रख रहे हैं, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सोसाइटी बाकायदा NOC देती है और उसके बाद में उसको रजिस्टर किया जाता है। 5 साल तक आप चाहें तो लीव एंड लाइसेंस पे दुर्गा जी दे सकती हैं। लेकिन अगर आपको 5 साल से ज़्यादा देना है तो आपको लीज एग्रीमेंट करना पड़ेगा। लीज एग्रीमेंट में 10 साल की अवधि हो सकती है, 20 साल कर सकते हैं, 30 साल कर सकते हैं, दोनों एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होते हैं। अच्छा। इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्रीमेंट रजिस्टर है। जो क्लॉज लिखा है कि एग्रीमेंट इस दिन एक्सपायर होगा, उस दिन वो जो भी भाड़ूत है, जो भी किराएदार है, उसे खाली करना पड़ेगा। अगर वो खाली नहीं करता है तो आपके पास में रेमेडी है कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने अपना केस रखेंगे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में डिसीजन बहुत जल्दी लगता है, ये कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, बहुत जल्द डिसीजन लगता है। आपने एप्लीकेशन फाइल की लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की कि ये एक्सपायर हो चुका है और किराएदार खाली नहीं कर रहा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे नोटिस इशू करता है, उसकी रिप्लाई लेता है, हियरिंग के बाद इमीडिएट आपको जजमेंट मिलता है और इविक्शन ऑर्डर मिलता है कि रूम खाली किया जाए करके, और बहुत आसान प्रोसीजर है ये। अच्छा। दूसरा, अगर आप लीज पे देते हैं तो सामने वाला आपका फिर से आपने रेंट पे दे दिया, तो यहाँ स्मॉल कॉजेस कोर्ट का ज्यूडिक्शन लगता है और स्मॉल कॉजेस कोर्ट में भी पूरा जो केस है आपका स्ट्रांग केस है, क्योंकि आपने बाकायदा एग्रीमेंट को रजिस्टर किया है और रजिस्ट्रेशन में क्लॉज है कि इस दिन इसको खाली करना है तो उसको खाली करना है उस क्लॉज के मुताबिक, तो वो कभी भी सक्सीड नहीं होगा। सामने वाला थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, थोड़ी अवधि ले सकता है, थोड़ा सा पीरियड एक्सटेंड करा सकता है, वो लीगली नहीं है। लेकिन उस दौरान जब तक केस चल रहा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में चल रहा है या स्मॉल कॉजेस कोर्ट में चल रहा है, जब तक ये केस चल रहा है तब तक आपका रेंट, आपका कॉम्पनसेशन आपको मिलता रहता है, यानी जो भी लैंडलॉर्ड है, जो भी ओनर है, उसको नुकसान नहीं होगा। अच्छा। ओनर फुल्ली सिक्योर है और आप लीव एंड लाइसेंस पे दे सकती हैं, आप बाकायदा लीज डीड बना सकती हैं, दोनों हालत में ओनर सिक्योर है। अगर आप मकान को खाली रखेंगे तो आपको मेंटेनेंस भरना पड़ेगा, नॉन ऑक्युपेंसी चार्जेस फिर भी लगेगा आपको, और वो आपके ऊपर एक बर्डन होगा। मकान का मेंटेनेंस करना, मकान का मेंटेनेंस भरना, ये दोनों बोझ आपके ऊपर आ सकता है, और इस हालत में आपके लिए ये एडवाइजेबल है कि आप मकान किसी को भी या तो शॉर्ट टर्म के लिए लीव लाइसेंस पे दें या फिर रेंटल बेसिस के ऊपर लीज एग्रीमेंट करें। तो जैसे कि हमने जाना कि लीज एग्रीमेंट करने हैं तो क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, यह हमें बताया आज इंद्रपाल सिंह जी ने। अब देखते हैं दूसरे कॉलर का क्या सवाल है। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहा है? मैं अनिल बोल रहा हूँ। जी अनिल बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बोरिवली मुंबई से। जी बोलिए, क्या सवाल है अनिल आपका? हमारे सोसाइटी में 16 फ्लैट्स हैं, जिसमें से 2 फ्लैट मेरे हैं और एक दुकान है। बिल्डर दुकान में ज्यादा जगह देने से मना कर रहा है। कमर्शियल में जितना है उतना ही मिलता है, ये बिल्डर यहाँ अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। वो जो मना कर रहा है उसका मना करना जायज है। कमर्शियल में आपको बढ़ाकर नहीं मिलता है। जो रेसिडेंशियल फ्लैट है, अगर वो रीडेवलपमेंट में जा रहा है तो डेफिनेटली आपको उसमें बढ़ा के मिलेगा, और रीडेवलपमेंट के बारे में हम काफ़ी अपने एक एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं।
25 से 35% के बीच में आपको उसमें मिल सकता है और वहाँ बढ़ाकर मिलना ही चाहिए। लेकिन कमर्शियल में आप भूल जाइए, क्योंकि कमर्शियल जितना आपका एरिया है आपको उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या रीजन है इसके पीछे, कोई पर्टिकुलर रीजन की वजह से ऐसा कुछ रूल? ये रूल है बाकायदा कि कमर्शियल यूज जो आप कर रहे हैं, कमर्शियल यूज जो आप कर रहे हैं, तो कमर्शियल के पीछे एक्स्ट्रा एफएसआई नहीं मिलती आपको। अच्छा, ना ही बिल्डर को उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। अच्छा, रेसिडेंशियल में आपको टीडीआर डबल मिलता है और इसलिए आपको उसमें सर्टेन परसेंटेज बढ़ाकर मिलता है। अच्छा, तो अनिल जी, जैसे कि आपकी क्वेरी पे हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि बिल्डर अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो, हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ परेश, बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी, मैं ये पूछना चाहता था कि मैंने एक फ्लैट खरीदा था जी, लेकिन पोजीशन में बिल्डर बहुत देर कर रहा है। अच्छा, और परेश आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से जी। और मैंने वो फ्लैट बेच दिया जी। क्वेश्चन नहीं कर लीजिए आपको परेश जी, इसमें सबसे पहले आपने फ्लैट खरीदा, बिल्डर ने देरी कर दी पोजीशन देने में, फिर वो आपने फ्लैट बेच दिया, आपने 3 लाख रुपया जो है उसमें आपने ट्रांसफर चार्जेस भरे बिल्डर को, ये इल्लीगल है। बिल्डर 3 लाख रुपया जो आपसे ट्रांसफर चार्जेस मांग रहा है या उसने जो सोसाइटी बनने के पहले ट्रांसफर चार्जेस लिए, ये बहुत ज़्यादा ले लिए और ये इलीगल चार्जेस करके उसने लिए हैं। लेकिन जो 12% वो सर्विस टैक्स मांग रहा है वो जायज़ है, लीगल है और वो आपको देना पड़ेगा। आपने फ्लैट बेच दिया है तो अब जितने फ्लैट खरीदा है उसे वो सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा 12%। तो परेश जी, मैं आशा रखती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो हमारे व्यूअर्स ये बात ध्यान में रखें कि इतने ज़्यादा ट्रांसफर फीस या ट्रांसफर चार्जेस कोई बिल्डर नहीं मांग सकता, एक नॉमिनल अमाउंट होता है जो लीगल होता है, इससे ज्यादा अमाउंट मांगना इलीगल हो सकता है। देखते हैं हमारे दूसरे कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नितिन है। जी नितिन जी, बोलिए। जी, मैंने 2011 में रिसेल में फ्लैट लिया है जी, और सोसाइटी में डिस्प्यूट के चलते मुझे शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, अब ये सर्टिफिकेट मैं कैसे ले सकता हूँ? जी सर, सोसाइटी का डिस्प्यूट यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपका मेंटेनेंस बाकी होगा, कुछ आपके पहले जिससे भी आपने रीसेल लिया है उसका कुछ आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस होगा, तो आपको वो आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस क्लियर करना चाहिए। दूसरा, अगर आपने कुछ अंदर अल्टरेशन किया है, एक्सटेंशन या अल्टरेशन किया है फ्लैट में और उस पर सोसाइटी को ऑब्जेक्शन है और वो ओनर बेच के आपको चला गया है, अभी आपने रीसेल में लिया है पर वो ऑब्जेक्शन सोसाइटी में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो ये एक डिस्प्यूट हो सकता है कि सोसाइटी आपको शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र करके नहीं दे सकती है। तीसरा एक डिस्प्यूट ये हो सकता है कि आप जो चेंज ऑफ यूज़र, यानी एक रेसिडेंशियल फ्लैट है लेकिन आप उसको कमर्शियल यूज़ में अगर ला रहे हैं तो भी सोसाइटी आपको शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। इनमें से कोई कारण नहीं है फिर भी सोसाइटी आपसे डिस्प्यूट कर रही है और आपको शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, तो आप पहले तो सोसाइटी के पास में प्रॉपर कंप्लायंस कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट, सारा एक सेट है जो पूरा ट्रांसफर का, वो सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद में चेक सबमिट कीजिए, 3 महीने के बीच में अगर सोसाइटी आपको ट्रांसफर करके नहीं देती है तो आपको डिप्टी रजिस्टर के पास केस फाइल करना पड़ता है। अच्छा, कि रीजन कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सोसाइटी की मनमानी नहीं चलेगी, सोसाइटी को एक रीजन देना पड़ेगा कि ये फ्लैट क्यों ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसका मेंटेनेंस बाकी है, इसमें अल्टरेशन हुआ है, इसमें एक्सटेंशन हुआ है, इसका कमर्शियल यूज हो रहा है, कुछ भी, क्या रीजन है? एक रीजन देना पड़ेगा सोसाइटी को। अगर वो रीजन नहीं है सोसाइटी के पास में, सोसाइटी आपका ट्रांसफर नहीं रोक सकती है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार तुरंत ऑर्डर करता है, बहुत जल्द ऑर्डर करता है और उसके ऑर्डर को सोसाइटी को कंप्लाई करना पड़ता है। फिर भी सोसाइटी नहीं मानती है तो आप अपील में रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं और रजिस्ट्रार से वो ऑर्डर लाकर अपना फ्लैट ट्रांसफर करा सकते हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि अगर हमें शेयर सर्टिफिकेट को लेके कोई भी प्रॉब्लम है तो हम रजिस्ट्रार के पास जाके इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। देखेंगे हमारे अगले कॉलर की क्या क्वेरी है, लेकिन उसके पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक टू लीगल एंगल। मैं तुलिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मौजूद है हमारे लीगल एक्सपर्ट इंद्रपाल सिंह जी। चलिए देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो। हेलो जी, क्या नाम है आपका? ध्रुव जी। ध्रुव बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। जी ध्रुव, क्या प्रॉब्लम है आपका? मेरा फ्लैट है नोएडा में, बिल्डर पोजीशन में डिले कर रहा है और अब भी बिल्डर के पास एनओसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। बिल्डर कह रहा है अगर मैं पैसे वापस लेता हूँ तो 18% इंटरेस्ट कट के मिलेंगे। अच्छा, इसमें आपको नहीं पे करना पड़ेगा 18%, बिल्डर आपको पे करेगा। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बिल्डर ने पोजीशन भी लेट किया है और आपको पैसे वापस देने के लिए अगर बिल्डर रेडी हुआ है तो ये बिल्कुल आपको पैसे वापस ले लेने चाहिए। अगर 18% इंटरेस्ट पे आपको देता है तो ये गलत है। आपसे इंटरेस्ट नहीं मांगता था क्योंकि आपके पैसे लगे हुए हैं वहाँ फ्लैट में, आपके पैसे लगे हुए हैं। जब पैसे बिल्डर ने इतने साल, कितने साल हो गए फ्लैट को आपके? तीन चार साल हो चुके। तो 3-4 साल आपके पैसे यूज किए उसने, तो ये कानूनन बनता है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि आपको 18% पर एनम उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। बिल्डर देगा, आपको नहीं देना है। तो ध्रुव जी, जैसे कि आपने जाना कि आप लीगली कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं और आपको एक लीगल एक्सपर्ट ने ये एडवाइस दी है कि आप सही है और आप कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं और आप सही है अगर आप इस केस को लेकर प्रोसीड करें। चलिए इंद्रपाल सिंह जी, देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या क्वेरी है। हेलो। हेलो हाँ जी बोलिए, आपका नाम क्या है? जी सचिन जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई से बोल रहा हूँ जी। बोलिए, आपकी क्या क्वेरी है? मैं ये जानना चाहता था कि मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरी एक दुकान थी। अच्छा। जो बिल्डर को लीज होल्ड पे दी है। अच्छा। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बिल्डर ने कुछ नहीं किया और दुकान की जगह पे लिफ्ट और सीढ़ियां बना दी और साथ ही वो दूसरी भी इलीगल शॉप्स उसी में निकाल दी है उसने। अच्छा। यानी आपका कहना है सचिन जी की उसने बहुत इलीगल काम किया है। तो पहले उसने वहाँ लिफ्ट बना दी, दुकानें निकाल दी, सीढ़ी बना दी, ये आपके मुताबिक सचिन जी ये सारा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। तो हम इसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कहते हैं और इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन करना चाहिए वार्ड ऑफिसर को, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर को, और उसके बाद में वो एप्लीकेशन आपको एंडॉर्स करना चाहिए DMC को, डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर को, म्यूनसिपल कमिश्नर को। इसके बाद में उनका काम है BMC का कि आपका ये जो अनऑथराइज वर्क का कंप्लेंट है उस पर ध्यान दें और विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एक्शन लेके एक्शन रिपोर्ट दें और उसका इलीगल कंस्ट्रक्शन वर्क तोड़े। उनको 351 का नोटिस इशू करेंगे बाकायदा बिल्डर को और उसके बाद में उनका स्टॉप वर्क भी कराएंगे, उनका काम भी तोड़ेंगे और आपकी जो दुकान है वो आपको मिलना चाहिए। इसके ये भी बाकायदा देखा जाएगा इन केस वार्ड ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता है, यानी असिस्टेंट कमिश्नर, DMC, MC कोई भी एक्शन नहीं लेता है, तो आप मुंबई हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और रिट पिटीशन के तहत डायरेक्शन ले सकते हैं कि ये डेमोलिश होना चाहिए, ये टूटना चाहिए, ये अनऑथराइज वर्क रुकना चाहिए और टूटना चाहिए। और ये अनऑथराइज वर्क टूटेगा, टूटने के बाद आपके पास में एक और रेमेडी है कि आप इसमें MRTP एक्ट में बाकायदा पुलिस में उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी बिल्डर पे कर सकते हैं कि उसने अनऑथराइज काम किया है, इलीगल काम किया है, उसके लिए उसके ऊपर MRTP एक्ट भी लगा सकते हैं। तो सचिन जी, आशा करती हूँ कि आपको क्या लीगल प्रोसीजर फॉलो करना है उसका आइडिया मिल गया होगा। इंद्रपाल जी, मैं कहना चाहूंगी कि इसी रिगार्ड में हमारे पास एक मेल भी आया था जहाँ पे रीडेवलपमेंट में जितना कारपेट एरिया प्रॉमिस किया गया था उसकी जगह पे उतना सुपर बिल्डअप एरिया दे दिया गया उनको। ये बिल्कुल चीटिंग है, फ्रॉड है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि आपको कारपेट एरिया प्रॉमिस किया गया है। अगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, आपकी दुकान है, तो जितना कारपेट एरिया आपका है उतना ही कारपेट एरिया आपको बिल्डर को देना पड़ेगा। बिल्डर उसके लिए बाध्य है, देना ही पड़ेगा उसको। वो आपको सुपर बिल्डअप नहीं दे सकता। अगर सुपर बिल्डअप दे रहा है तो आपको ड्यूप कर रहा है, वो चीट कर रहा है, आपके हाथ में फ्रॉड कर रहा है। आप उसके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अच्छा। और आप को एरिया कम दे रहा है उसके लिए आप सिविल सूट भी उसके ऊपर फाइल कर सकते हैं। अगर आपका रेसिडेंशियल इलाका, आपका फ्लैट है,
तो आपको कारपेट एरिया से बढ़कर मिलेगा, तो सुपर बिल्डर देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रीडेवलपमेंट में बिल्डर जो है कारपेट एरिया ही देता है, और उसके ऊपर अगर रेसिडेंशियल फ्लैट है तो बढ़ा कर देता है, अगर कमर्शियल है तो उतना ही देता है। अच्छा, तो आशा रखती हूँ कि हमारे जिस व्यूअर ने ये मेल भेजा है उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो। हेलो। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीत है। जी बोलिए संजीत जी, आप कहाँ से है और आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। और क्या क्वेश्चन है आपका? मैंने बिल्डर को पेमेंट कर दिया है लेकिन बिल्डर चिटफंड में पकड़ा गया है। अच्छा, अब मुझे मेरा पैसा वापस कैसे मिलेगा? बिल्डर चिटफंड में पकड़ा गया यानी बिल्डर जो है वो इल्लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो गया है। अभी क्रिमिनल केस हुआ, ये अमाउंट ऑफ चिटफंड कितना है ये डिपेंड करता है। अगर अमाउंट ऑफ चिटफंड बहुत बड़ा है, ये घोटाला बहुत बड़ा है, ये स्कैम अगर बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली बिल्डर की बेल जो है वो बहुत लेट होगी। यानी चार्जशीट फाइल करने के बाद बिल्डर की बेल होगी। शायद हो सकता है कि चार्जशीट के बाद में भी उसकी बेल होने में टाइम लगे, तो तब तक तो आपको सब्र करना पड़ेगा कि आपका ऐसे बिल्डर से पाला पड़ा है जो चिटफंड में अरेस्ट हुआ है, उसको बेल होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। बेल होकर जब वो छूट जाता है चिटफंड में, एक और बात है, अगर उसने बड़ा घोटाला किया है और उसके बाद उसने कुछ प्रॉपर्टीज खरीदा है, तो वो प्रॉपर्टी भी पुलिस जो है वो सीज कर लेती है। यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में ये केस जाता है, और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है क्राइम ब्रांच, ये चिटफंड में उसको अरेस्ट करने के बाद जितनी प्रॉपर्टीज है उसका अमाउंट रिकवर करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेती है। अच्छा, तो बिल्डर के पास कुछ बचता ही नहीं। फिर बाहर आने के बाद आपको लगता है कि अब इससे कुछ छीना जा सकता है, निकाला जा सकता है, तो आप बिल्कुल उसके लिए, आपके पास में सिविल रेमेडीज भी है और आपके पास में क्रिमिनल भी है, आप दोनों तरीके से उससे अपना पैसा ले सकते हैं। आपका पैसा वापस मिलना चाहिए, लीगली आपका हक है कि आपको वो पैसा वापस मिले, और वो भी 18% पर एनम ब्याज के साथ मिलना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स और कॉलर्स भी ये प्रोग्राम देख के ये सब जान सकते हैं कि हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले। इंद्रपाल जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो एंड आपके गाइडेंस के लिए शुक्रिया। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स अगर हमें कोई भी फीडबैक सजेशंस देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप हमें स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। टिल वी मीट नेक्स्ट, स्टे लीगली फिट, गुड बाय।